अब खुलने लगी है। गठबंधन के दो प्रमुख दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। पहले मध्य प्रदेश और यूपी में सीटों को लेकर मतभेद दिखाई दिया और अब यूपी में समाजवादी पार्टी अखिलेश को पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने में लगी है। लखनऊ में पार्टी की तरफ से लगाए गए पोस्टर ने गठबंधन में छिड़े पीएम फेस के कलेश को सबके सामने लाकर रख दिया है और उधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करने में जुटी है। एसपी में नाराज चल रहे मुस्लिम चेहरों को कांग्रेस अपने पक्ष की करने में तैयारी कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे ही गठबंधन के दल आपस में लड़ते रहे तो फिर कैसे बीजेपी से सामना कर पाएंगे। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल, दरार आई, दिखावा या सच्चाई, सीट की टेंशन, फेस पर फसाद, ये सबसे बड़े सवाल आज के हमारे रहने वाले हैं। गठबंधन में क्या वाकई कलेश देखा जा रहा है? लड़ेगा INDIA, कैसे बढ़ेगा INDIA? कांग्रेस की सेंध मारी, एसपी पर भारी, तो ये आज के हमारे सवाल रहने वाले हैं। और इन सवालों के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि INDIA गठबंधन जो दावे करता है प्रेम मोहब्बत की दुकान के, वो कितने मजबूत। आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस देश के प्रधानमंत्री बने ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना है। जो सपना समाजवादियों ने नेताजी के लिए देखा था, वो अधूरा सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं पूरा हो और 2024 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। हमारा इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है तो उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बात चल रही है, कहीं पर कोई मतभेद जैसी बात नहीं है। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे, तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका, लेकिन सपने देखने का सबको अधिकार। और इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष चतुर्वेदी, एसपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिलाल अहमद नकवी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिलाल साहब, आपसे मैं ये सवाल लेना चाहती हूं, आपसे जानना चाहती हूं, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में जो पोस्टर लगा है अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने का, उसकी जगह है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे किसी से भी पूछा जाएगा कि वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, तो उनका जवाब यही होना चाहिए कि वो अखिलेश यादव जी को देखना चाहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का विलय तो हुआ नहीं है। एक समाजवादी पार्टी अपने आप में एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। वहां के जो नेता हैं अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको ये सपना देखने का पूरा अख्तियार है और उसके अगर उनके साथ लोग लगे हुए तो उसमें बिल्कुल सही है। लेकिन तय क्या होगा? तय तब होगा जब इंडिया पास इतनी बहुमत आ जाएगी और वहां के ऊपर सब लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो इसमें हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं? अगर आज की तारीख में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लीजिए, आज आप अगर आप राजभर साहब की पार्टी से पूछ लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो तो राजभर साहब का नाम ले देंगे। तो ये जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर तकरार देखी जाए या ये कहा जाए कि अब समाजवादी पार्टी वाले लोग जो है वो कहेंगे कि राहुल गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या ममता जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। क्यों कहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी जैसे कांग्रेस से आप किसी भी कांग्रेसी से पूछें कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे, हम सब कहेंगे हम राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं और वास्तव में देखना चाहते हैं। उसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन प्रधानमंत्री वो तभी बनेंगे जब इंडिया गठबंधन जो है उस वहां पर हमारी बहुमत आ जाएगी और वहां पर सारे नेता तय करेंगे कि किसको जो है वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, जो आपने टकराव नहीं है, आपने जो बात कही है कि कोई टकराव नहीं है, यहाँ पर मैं दो सवाल आपसे और पूछने जा रही हूँ, इसके बाद बाकी गेस्ट के पास भी आऊंगी। सबसे पहला ये सवाल कि जिस तरीके से आपने कहा है कि पीएम फेस को लेकर कोई टकराव नहीं है, तो पीएम फेस को लेकर ये बातें क्यों निकल कर सामने आती है? कभी राहुल गांधी को लेकर तो कभी अखिलेश यादव को लेकर, अपने अपने धड़े अपने अपने नेता को प्रमोट तो कर रहे हैं, तो क्या इससे INDIA पे कोई असर नहीं पड़ेगा?
जो INDIA, जिसको आप इंडिया का स्वरूप बता रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर आएंगे और कोई एक फेस निकलकर सामने आएगा, उससे पहले लोगों पर ये क्या छाप छोड़ेगा? उससे पहले लोगों के ऊपर ये छाप छोड़ेगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी मेहनत के साथ INDIA जिसको आप कह रही, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें जम करके वो लोग कोशिश करेंगे, जम करके MP जिता करके लेकर के आएंगे। कांग्रेस पार्टी जम करके मेहनत करेगी और जम करके अपने MP जिता करके लेकर के आएगी, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी बहुमत में वहां पहुंचे और उसके बाद आपस में बैठ करके तय कर लेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनना। जी आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पास में आ रही हूँ। देखिए, आपस में मिल बैठ के तय किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और ये जो PM का भावी पोस्टर लगा दिया गया है अखिलेश यादव का, उससे पहले जो मतभेद और मनभेद निकलकर सामने आ रहे हैं दोनों ही पार्टी के नेताओं तक, सवाल तो ये है कि क्या INDIA की गाड़ी भी चल पाएगी, और अगर नहीं चल पाती है तो भी क्या आसान होगा भावी PM को असल PM बनाना? पहले तो एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे नाम से पहले मेरा रैंक हमेशा लिया जाता है, वो मेजर आशीष चतुर्वेदी है, तो अगर वही लिखा जाए तो बेहतर रहेगा। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है, जो भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर लगना, ये एक किसी कार्यकर्ता के मन का भाव है। अभी ये प्रधानमंत्री पद की बात करना बहुत जल्दबाजी होगी और कुछ बचपना भी कहा जा सकता है, और तो किसी के मन का भाव कार्यकर्ता का, जो किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या किसी नेता का कोई समर्थक हो, वो अपनी कोई भी पोस्टर लगा सकता है, उस चीज को कोई बहुत ज्यादा अहमियत वास्तविक जो धरातल है उसमें नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री पद का चुनाव अक्सर जो है वो जो भी व्यक्ति बनता है किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो अक्सर जो होता है वो आपसी सहमति और जो चुने हुए सांसद होते हैं वही अपना नेता चुनते हैं, यही एक प्रक्रिया रहती है, तो आमतौर पर यही रहता है, उसी तरीके से चुनाव। इसी के साथ एक और सवाल था मेरा INDIA को लेकर, कि क्या उसकी राह भी आपको आसान लग रही है, जिस तरीके से मतभेद और मनभेद चल रहे हैं, PM भावी PM ये सारी बातें तो कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये जो मनभेद मध्य प्रदेश तेलंगाना इनसे होकर गुजर रहे, कहीं से भी एक इंडिया का मैप नहीं बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए परम आवश्यक होता है कि लोग संयम रखें, जो आप वक्तव्य दें, जो विचार सार्वजनिक मंच पे रखें, वो संयम भरे सोच समझ के बोले जाने चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ एक दो वक्तव्य ऐसे निकल जाते हैं जिससे जो लाखों कार्यकर्ता है, दोनों पार्टियों के, कांग्रेस के भी लाखों कार्यकर्ता है देश में, समाजवादी पार्टी के भी लाखों कार्यकर्ता है, लेकिन केवल दो तीन लोगों के बयान की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो आपसी स्वभाव है, भाव है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता दिखने लगता है। और मैं समझता हूँ गठबंधन में आमतौर पर ये किसी भी राजनीतिक दल के हो, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां किसी चीज पे कुछ विचार जो है वो मेल नहीं खाते हैं, लेकिन आमतौर पे होता है कि फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है वो आपस में बात करता है और कहीं ना कहीं उन चीजों को सुलझा लिया जाता है। आप देखिए, किसी घर में भी सारे मत एक तरफ नहीं होते, सब लोग एक ही राय नहीं रखते, कई बार ऐसा होता है, लेकिन हाँ, आवश्यकता ये है कि उसमें जो व्यक्ति आप जो विचार सार्वजनिक मंच पर पटल दे वो उसमें एक जो है गंभीरता रहे और एक सद्भावनापूर्ण जो आपका व्यवहार है वो दर्शाता है, कुछ भी ऐसा ना हो जो दूसरे पक्ष को कहीं ना कहीं अपमानजनक लगे, ये प्रयास जरूर। जिस तरीके से आपने कहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर कभी कभी ये बार बार हो जाए, सीटों को लेकर जब भी हमने देखा मध्य प्रदेश में, वहां पर भी एक चीज सामने आई है, चाहे बात उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप को लेकर करें जहां पर वहां पर उपचुनाव हुआ था, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आगे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी चीजें बनती है और ये जो बयानबाजी निकलकर सामने आती है, आप दोनों के लिए ही ये हानिकारक होगी? निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि यदि आप कोई गठबंधन कर, जो जब ये गठबंधन का प्रारूप बनाया गया तो सबको पता था कि जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव से कुछ 3-4 महीने पहले ही है, बहुत गैप नहीं है विधानसभा चुनाव में, जिन प्रदेशों में अभी हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में,
तो यदि कोई भी व्यक्ति उसको बहुत गंभीरता से देखे और जो थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखता हो तो ये देखेगा कि यदि अगर हम विधानसभा में दो तीन दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और तीन या चार महीने बाद ही आप उसके खिलाफ मतलब आपस में फिर एक दूसरे का समर्थन करें लोकसभा में, तो धरातल पे ये चीज संभव नहीं कि केवल तीन महीने में हम जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारे खिलाफ बयान दे, जब चुनाव होगा जब खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ बातें कहेंगे निश्चित रूप से बात हो, और जब आप ऐसा बोलेंगे कड़वाहट होगी और तीन महीने बाद ही आप कहा जाए कि अभी जिसको जो आप जो है जिसके खिलाफ बयान दे रहे थे बोल रहे थे अब उसी का समर्थन करें, तो ये तो संभव ही नहीं, या तो आप गठबंधन में पूरी तरह है और या तो फिर नहीं है, तो ये कहीं कहें मैं समझता हूँ। पर ये शुरुआत तो सपा ने बागेश्वर उपचुनाव से भी तो की थी ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका इसका प्रारूप सही ढंग से होना चाहिए था, जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद मिस हुआ है। अच्छा। ये किस तरीके से विधानसभा में चुनाव जो है इन पे जो है इन पे लागू किया जाएगा, अखिलेश जी इसको मान के चल रहे थे कि यहाँ लागू किया जाएगा, कांग्रेस ने कहा कि नहीं वो लोकसभा में ही लागू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये इस चीज को जो है पहले से डिसाइड कर देना चाहिए था, क्योंकि यदि जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाए और तीन चार महीने बाद फिर कहा जाए कि नहीं अब एक दूसरे का समर्थन करिए, तो वो वोट जो ट्रांसफर होना चाहिए वो फिर नहीं होगा, वो केवल कागजी गठबंधन ही रह जाएगा। चलिए ठीक है, आपके पास आते हूँ। इस समय शरद त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि सपने देखने का हक है सबको, आपको लगता है कि क्या ये जो सपने हैं पीएम के भावी फेस के ये सपने ही रह जाएंगे, और क्यों सपने ही रह जाएंगे, क्या कमियां नजर आ रही है? ये जो मनभेद और मतभेद चल रहा है जिसको लेकर इस समय कांग्रेस और सपा की कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति जो इनके समर्थक है उनमें देखने को मिल रही है कि क्या होगा एनडीए का, उसको लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? दीपशिखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैनेजर साहब ने बड़ी सधे तरीके से जो विपक्ष की विडंबना है उसको उन्होंने व्यक्त किया है, बहुत अच्छे और बड़े सधे तरीके से उन्होंने ये बात बताई है। लेकिन आप देखें कि शुरुआत से ही ये जो गठबंधन बना था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये विचारों का गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर बनाया जाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना, मोदी जी को हराना है। इन्होंने आप देखें कि ना गठबंधन के नाम पे जो युवा नेता है, जो सबसे ईमानदार नेता है, और ममता दीदी, इनके बीच में अभी तक तय नहीं है कि किसने ये नाम दिया था। जो मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का है वो टीएमसी में चला गया है, टीएमसी ने कह दिया है कि सीपीआई अगर चुनाव लड़ेगी गठबंधन में तो हम गठबंधन के बाहर रहेंगे, सीपीआई ने कह दिया हम सारे बंगाल की सब सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जो प्रताप सिंह बाजवा जी हैं जो कांग्रेस के नेता पंजाब के हैं, उन्होंने कह दिया कि हम आम आदमी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। और आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अभी मैं दो दिन पहले सपा के हमारे मित्र थे उनके साथ था, उन्होंने ये बात कही, कहने लगे साहब देखिए उत्तर जो मध्य प्रदेश में सपा का हाल है वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल है, तो ये वहां पे सपा को क्या देंगे और सपा उनको उत्तर प्रदेश में क्या देगी। और आप देखें कि जब जब इस तरह के गठबंधन हुए जो विचारों के गठबंधन नहीं थे, जो किसी एक आचरण को लेकर गठबंधन नहीं था, उसका क्या नतीजा निकला? उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन पहले भी बन चुका है, जो जिस गठबंधन की अभी हम बात कर रहे हैं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले भी रहा था उत्तर प्रदेश में, जब बुआ बबुआ साथ थे तब क्या नतीजा निकला, चाचा भतीजे साथ थे तब क्या नतीजा निकला, और लड़के जब साथ थे तब क्या नतीजा निकला। तो ये सारी कहानी पहले भी गढ़ी जा चुकी है। अब एक नया मुद्दा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है कि साहब पीडीए करेंगे, फिर जाति पे हम बांटेंगे, और ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे, हमने घर घर जो सुविधाएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जो देश के। चलिए हिलाल अहमद नकवी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हिलाल अहमद नकवी जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों की दीवारें ही ऊंची नीची होंगी तो उस पर आप समतल छत कैसे बनाएंगे, उस पर कैसे आप पीएम की कुर्सी को विराजमान करवाएंगे, ये तो जरूरी है कि आप लोगों के विचार थोड़े तो मिले, और इसी के साथ जो मनभेद निकल कर सामने आते हैं इससे क्या आप देश की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? दीपशिका जी, जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के ऊपर ज्ञान देती है तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है।
इनके एनडीए का पिछले 9.5 साल में कितनी मरता मीटिंग दी है, अगर शरद जी आपको बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा जी। इनका जो है वो अभी तक की जो एनडीए है उसका कन्वीनर कौन है बता दे तो भी हमको अच्छा लगेगा। ये हमको बता दे कि इनके जो आपस में मतभेद और मतभेद नहीं थे शिवसेना के साथ, आज वो दोनों कहां खड़े हुए हैं, किस तरह से उसके श्रोमणी अकाली दल के साथ भी बिल्कुल, ये श्रोमणी अकाली दल के साथ क्या हुआ, जेडीएस अभी जिसके अंदर भी घुस आए हैं उसके अंदर भी जिस तरह से झंझट चल रहा है उसके अंदर क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ये ज्ञान ना दे, अपने यहाँ ज्ञान दे और बाहर के ऊपर इन सब चीजों को हल करें। रही बात इंडिया की, तो देखिए इंडिया में एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हम जो है वो लोकसभा का इलेक्शन एक साथ, ये अखिलेश अखिलेश जैसे बयान ये निकलकर सामने आते, ये इससे देश की जनता कंफ्यूज हो रही है। आईएनडीए में भले कंफ्यूजन ना हो, ऊपर बात करके सब सेट हो जाता होगा, लेकिन देश की जनता तो कंफ्यूज रहती है ना। देखिए दीक्षिका जी, जो इस तरह के बयान होते हैं वो हमेशा से होते चले आ रहे हैं और देश की जनता कभी कंफ्यूज नहीं हुई। बहुत से नेता हैं बोलने में वो संयम नहीं रख पाते हैं या उनके बोलने का कुछ एक मानर ऐसा होता है कि वो दो शब्दों को जोड़ करके बोलते हैं तो इसको लेकर के कह दे कि मनभेद है, तो मनभेद तो बिल्कुल भी नहीं। आज की तारीख में अखिलेश जी और जो भी कांग्रेस में आपस में दिक्कतें थी आपस में बैठे, हल हो गया, अब जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो होता है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो है ये जब कभी भी इस तरह से दो दल जो है वो आपस में सीटों का बंटवारा करेंगे, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सारे अपने राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दल की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो जाहिर क्या सीटों का जो बंटवारा है वो मध्य प्रदेश की तरह होगा। सपा ये कह रहे थे सपा के नेता कि उन्हें धोखा मिल गया और उसके बाद जिस तरीके से चीजें वहां पर है उसी के बाद तो ये सब शुरू हुआ। फिर उस समय तो जब लोकसभा चुनाव की हम बात करते तो और भी बड़े पैमाने पर होगा। ये तो आप लोगों की तैयारियां हैं ना जिसके आधार पर जनता आप लोगों को इस समय जज कर रही है। नहीं देखिए, जनता जो है अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा में आप ये मानते हैं कि जनता जज करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी चिंता होना चाहिए। हम तो 5 के 5 जीतने जा रहे हैं स्टेट, तो वो जजमेंट तो जनता पास की बात कर रही हूँ मैं सर, सीटों की बात नहीं, मतलब जनता आप लोगों की जो रणनीति है उसकी बात कर रही हूँ मैं। जनता जब जज करेगी तो भी 5 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बरेली और अमेठी में सपा का क्या रुख रहता है ये भी आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में अगर मोहब्बत की दुकान में थोड़ी सी जगह होती तो अच्छा लगता शायद आप लोगों के जो समर्थक हैं वहां के पर, थोड़ी नहीं बहुत सी जगह। कहा ना हमने आपसे कि वो चीजें जिसको कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ करके सुलझा चुका है उसके ऊपर किसी भी तरह के प्रवक्ता होने के नाते, देखिए अगर हम प्रवक्ता ना होते हमको आप बतौर नेता हम यहाँ पे बैठे होते तो हमारे पास बहुत सी आजादी होती है बोलने की, लेकिन जब आप प्रवक्ता होते हैं तो आपका जो भी स्टेटमेंट होता है वो वही स्टेटमेंट होता है जो कि पार्टी का स्टेटमेंट होता है। पार्टी का स्टेटमेंट इस वक्त क्या है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो भी आपस में दिक्कतें थी वो हल हो चुकी है, दोनों के दोनों अपनी जगह संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस का साथ देगी। तो ये देखिए हल निकला या नहीं निकला, झंझट हुआ, गलतफहमियां हुई, नहीं होनी चाहिए, हल निकला, अच्छी बात है, यही डेमोक्रेसी है। और जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर ऐसे ही हल निकलते हैं। यहाँ के ऊपर कोई राजतंत्र तो है नहीं कि राजा ने जो कह दिया वही होना है, एनडीए के जो है वो बन गया, कोई उसका कन्वीनर नहीं है, नहीं है, 9.5 साल तक की मीटिंग नहीं दी, जो कह दिया राजा ने वही करना है। तो यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, और हर एक को बोलने का हक है। और खूबसूरती यही है प्रजातंत्र की कि हमारे अंदर जो विचार है उसको हमें व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, उसके ऊपर कोई डंडा ना लगा हुआ हो। हमने आशीष जी, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हमारी तैयारी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर है। निश्चित रूप से हर एक राजनीतिक दल, अभी मैं समझता हूँ अगर राजभर जी से पूछा जाएगा तो वो शायद 80 के आगे भी चल जाएंगे कि उनकी भी तैयारी जो है बहुत, राजनीतिक दल और जहाँ पे भी है हाँ आप देखेंगे कोई ना कोई प्रत्याशी भले वो जीतने के उसमें ना आ रहा हो लेकिन वो अपनी तैयारी तो अपने उससे करता ही है कि भाई मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ कभी मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा तो मैं तैयारी करूँ, एक ये एक स्वाभाविक मनोकामना रहती है हर एक व्यक्ति की जो राजनीति में होता है, जिस भी पार्टी से जुड़ा होता है वो वहां से तैयारी तो कर ही रहा होता है। तो उसमें आप ये तो कह ही सकते हैं कि हाँ आपकी वहां तैयारी है, इतने यहाँ तक स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है।
आशीष जी देखिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ हिलाल अहमद नकवी जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। शरद त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा, जहां बात सीटों की आती है तो मनभेद और मतभेद निकल कर सामने आते हैं, और जहां पर बात आती है कि कौन किस पर भारी है तो वहां पर भी मनभेद और मतभेद निकल कर सामने आ जाते हैं। लेकिन जब बात जनता की आती है तो यहां पर यह दिखाया जाता है कि हमारे बीच में मोहब्बत की दुकान असर दिखा रही है, प्रेम और सौहार्द इतना है कि हमें तो ये पता ही नहीं चिरकुट क्या होता है और किस तरीके से बाकी अखिलेश वखिलेश जैसे बयान दिए जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई INDIA गठबंधन जहां पर जिन दीवारों पर अपनी छत तैयार करने की कोशिश कर रहा है उसकी दीवारें ऊंची नीची है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार दम भरा जाता है, दम तो दम भरा जाता है लेकिन साथ ही भावी PM भी बता दिया जाता है, और वही